आज की वीडियो में हमारे पास है इन्फिनिक्स का GT20 प्रो और ये प्रो फोन क्लेम करता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है आपको, और एक्सपीरियंस सिर्फ हार्डवेयर का नहीं सॉफ्टवेयर का भी। और गेमिंग एक्सपीरियंस को तगड़ा करने के लिए इन्होंने काफी सारी एक्सेसरीज भी लॉन्च की है जो कि आपको अलग से लेनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्च होते ही लोगे तो कुछ कुछ चीजें फ्री मिलने वाली है। सारी चीजों के बारे में बात करने वाले इस वाले वीडियो में। स्टार्ट करते हैं इन्फिनिक्स GT20 प्रो का रिव्यू। ये वाले बॉक्स के अंदर एक बॉक्स तो आपको स्मार्टफोन वाला है और ये होने वाला है एक रिटेल बॉक्स, और यहाँ पे एक्स्ट्रा डिब्बे भी है दोस्तों। और ये लटका हुआ उसके अंदर, ओ नाइस। इसको स्कैन करने के बाद आपकी दुनिया बदल सकती है। ये वाले बॉक्स में क्या वो देखते हैं। ओके, ये स्पेशल GT मैका केस है जिसको फोन पे लगा के प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हो और गेमिंग वाइब भी इनहेंस हो जाएगी। और क्या क्या बॉक्स में, थंब स्लीव मिल जाएंगे, ये तो काफी कूल लग रहा है। ये मोबाइल कूलर है जो आपके फोन को हीट नहीं होने देता है। प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन मस्त लग रहा है। और टाइप सी केबल, और ये टाइप सी केबल थोड़ा डिफरेंट है जो फोन में कुछ ऐसे लगता है और गेम खेलते वक्त हेल्प करता है। अब करते हैं एक्चुअल फोन का अनबॉक्सिंग। काफी प्रीमियम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है, बिल्कुल गेमिंग वाला वाइब आ रहा है, और ये बॉक्स भी काफी स्टाइल में खुलता है। आउट प्ले द रेस्ट, वेलकम टू द GT वर्ल्ड। सबसे ऊपर आपको एक ब्लैक बॉक्स है, सिमुलेशन पिन। इसके अंदर भी आपको एक केस मिलने वाला है, दोनों केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। पेपर डॉक्यूमेंट्स, ये रहा आपका स्मार्टफोन, 45 वॉट का फास्ट चार्जर, और मोबाइल कूलर के साथ यहाँ पे एक मेटल प्लेट मिल जाती है जिसको आप दूसरे किसी फोन में लगा के ये मोबाइल कूलर यूज कर सकते हो। वैसे अब देख लेते हैं फोन का डिजाइन। मैंने अभी तक देखा नहीं है लेकिन मुझे अंदाजा है थोड़ा लग तो बहुत तगड़ा रहा है भाई। GT10 एंड GT20 के अंदर काफी बड़ा डिफरेंस नहीं फील होगा आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन GT20 बहुत सारी अपग्रेड्स के साथ आ रहा है और ये वाले फोन की प्राइसिंग भी आपको हिलाने वाली है। मतलब मुझे हल्का फुल्का अंदाजा है, लेकिन जब ये लॉन्च होगा तो इसका कंप्लीट प्राइसिंग एंड बैंक ऑफर डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। और इनिशियली डिजाइन बहुत प्यारा लग रहा है, और हमारे पास यहाँ पे दो कवर्स हैं, दोनों को बारी बारी लगाते हैं। देखो, एक वो कवर है जो बॉक्स के अंदर मिला था, कवर का इनहैंड फील बहुत सही आ रहा है भाई, हाथ में अच्छा फिट हो रहा है। डिजाइनर कवर है यहाँ पे, तो फोन की सुंदरता बरकरार रहने वाली। कंप्लीट 3 कलर में फोन लॉन्च हुआ है, मेका ऑरेंज, मेका सिल्वर एंड मेका ब्लू। अब एक बार दूसरा कवर देखते हैं। ओके, फिटिंग बहुत प्रॉपर हुई है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक प्लेट डाल रखी है इन्होंने पहले से, ताकि आप आराम से ये मोबाइल कूलर चिपका सको इसके ऊपर। इसकी होल्डिंग कितनी अच्छी आई है, तो आप आराम से इसको लगा के गेम खेलोगे, साइड में दिक्कत नहीं होगी। वैसे दोनों कवर का डिजाइन काफी सिमिलर है, डिफरेंस ये मैग्नेटिक प्लेट है, एक पे चिपक जाता है दूसरे पे नहीं चिपकता है। वैसे इसका कूलर एक्चुअल में बहुत कूल चीज है, क्योंकि अगर आपके पास एक आईफोन है, ये आईफोन के मैग सेफ में जाके बहुत सही चिपक जाता है। और इस कूलर की पावर चेक करने के लिए एक बार इसको यहाँ पे लगा के छोड़ देते हैं, देखते हैं कितना पावरफुल है। ये चलता रहेगा 10-15-20 मिनट, तब तक फोन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले आपको फोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और इसका प्लेसमेंट थोड़ा नीचे है, मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। और ये फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत परफेक्ट काम नहीं करता, हल्का स्लो लगा है मुझे कहीं ना कहीं, जिसको सॉफ्टवेयर के बाद ठीक कर सकते हैं। और फोन के अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 14 मिल रहा है, इन्फिनिक्स का XOS मिल रहा है, और ये वाला सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन किया गया है GT स्मार्टफोन के लिए। XOS फॉर GT इसका पूरा नाम है। और जब आप फोन यूज करोगे आपको फील हो जाएगा जैसे कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है, जिसको प्यार से हम फालतू एप्लीकेशन कहते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एक स्पेशल कस्टम आइकन मिल जाता है जो कि GT स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया है, और फोन यूज करने में बहुत ही स्मूथ है, कोई भी एड वैड भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो मुझे एक्चुअल में एक्सपीरियंस अच्छा लगा है इसका। इवन कंट्रोल पैनल के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहीं से डार्क मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, उसके बाद ये मेका लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो, इसको ऑन रखोगे ये ऑल द टाइम ग्लो करता रहेगा। अभी ऑफ कर दिया और ये ऑफ हो गया। यहीं पे QR कोड स्कैनर भी है, पावर बूस्टर भी है, क्रोम कास्ट है, हॉटस्पॉट है, काफी सारी चीज आपको यहीं पे मिल जाती है, और यहीं से आप सेटिंग्स में भी जा सकते हो। अब सेटिंग्स में तो एक बार ये मेका लाइट के बारे में बात करते हैं। ये मेका लाइट को आप डिफरेंट कामों में कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि चार्जिंग, या फिर नोटिफिकेशन आता है तब भी कर सकता है, या इनकमिंग कॉल वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपका फोन ऐसे रखा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि आपको कॉल आ रहा है। यहाँ से डिफरेंट स्टाइल देख सकते हो, ये अभी डांस कर रहा है, अब सांस लेने लग जाएगा, या फिर ग्रेडियंट, मतलब 3-4 कलर एक साथ। तो फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सच में बहुत ही स्मूथ है, अच्छा लगता है फोन देखने में। और जो हमें प्रोसेसर मिला है MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, ये प्रोसेसर पे हमने सारे
बेंचमार्किंग टेस्ट किए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे Geekbench का स्कोर मल्टी कोर्स पे 3628 आ रहा है और सिंगल कोर 946 का स्कोर आ रहा है। अंततः स्कोर अराउंड 935,000 का आ रहा है और ये अपने प्राइस रेंज में बेस्ट अंततः स्कोर ऑफर कर रहा है। इवन की हमें 3D Mark टेस्ट किया, यहाँ पे 1752 का स्कोर आ रहा है। कुल मिला के बात ऐसी है कि फोन की परफॉर्मेंस बहुत ही पिक रहेगी। वैसे फोन का एक घंटे का BGMI टेस्ट हमारे गेमिंग चैनल पे मिल जाएगा आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे हम लोग। बैटरी कितना ड्रेन हुआ, हीट कितना होता, हर एक चीज। हम बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। सबसे पहले डिजाइन आप देखो, पूरा गेमिंग वाइब है इसके अंदर और ये फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। और जो इसका बिल्ड है कंप्लीट प्लास्टिक ही है भाई, फ्रेम भी प्लास्टिक है और जो होल्ड करते हो फ्रेम इसका काफी हद तक प्लास्टिक फील होता है, लेकिन जो इसका बैक है भाई इसके अंदर फील है अलग। ये ग्लास्टिक कह सकते हो, मतलब ग्लास वाला फील लेकिन रहेगा प्लास्टिक। और जो आप आर्टिस्टिक डिजाइन पैटर्न देख रहे हो, पूरा गेमिंग वाइब है इसके अंदर। टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड बाय JBL। स्पीकर क्वालिटी देख लेते हैं एक बार। बस वायरस को मत फैलाओ जाता, लेकिन भाई स्पीकर एक्चुअल में लाउड है, इसका सराउंड साउंड फील भी हो रहा है और अच्छी क्वालिटी का स्पीकर है। डेफिनेटली आप इसके ऊपर एंजॉय करने वाले हो। वैसे फोन आपको चाहो तो से दिखा देता हूँ। बॉटम में टाइप सी पोर्ट है, ये है स्पीकर और ये है इसका सिम ट्रे और यहाँ पे आपको डुअल सिम स्लॉट मिलता है। स्टोरेज एक्सपेंशन आप नहीं कर सकते हो। और राइट साइड में देखा जाए यहाँ पे पावर बटन, ये है इसका वॉल्यूम रॉकर्स और टॉप पे स्पीकर एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन। कोई भी एक्स्ट्रा गेमिंग वाले ट्रिगर्स वगैरह नहीं है, जो मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक गेमिंग फोन पे काम कर रहे हैं तो फील थोड़ा गेमिंग वाला और आना चाहिए। लेकिन ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको आप एज अ नॉर्मल फोन पे यूज कर सकते हो, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा ऐसे बैलेंस बना रखा है। और ओवरऑल फोन का डिजाइन बहुत अच्छा लगा मुझे। अब थोड़ी गेमिंग कर लेते हैं। सो गेमिंग स्टार्ट करने के लिए किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आपको दो चीज चाहिए होती है, एक तगड़ा प्रोसेसर और दूसरा तगड़ा डिस्प्ले। दोनों के ऊपर हम लोग जज करेंगे इस वाले फोन को। बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हार्डवेयर के थ्रू भी गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बनाते हैं। अब सबसे पहले फोन को हम लोग जज करेंगे डिस्प्ले के मामले में। यहाँ पे आपको मिलता है 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इन्फिनिक्स ने बोला है 120fps वाला BGMI इसके साथ चलेगा, जो अपडेट के बाद आएगा। तो भी आप सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही अपडेट आता है मैं रील शॉर्ट सब डाल दूंगा। पता चलना चाहिए भाई कि नंबर है या फिर एक्सपीरियंस भी अच्छा है। वैसे डिस्प्ले का ब्राइटनेस भी काफी अच्छा है, 1300 nits का ब्राइटनेस है, जो एक्चुअल में भाई काफी ब्राइट फील हो रहा है। और ये वाला डिस्प्ले देखो ऑटो ब्राइटनिंग सपोर्ट करता है, सही काम करता है यार ये। और सबसे बढ़िया लगा मुझे इसका वॉलपेपर कलेक्शन, काफी कूल वॉलपेपर कलेक्शन है भाई। और ये वाला वॉलपेपर तो इनके मोबाइल कूलर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, मुझे तो भाई ये वाला लगाने का मन है, ये तो बहुत कूल लग रहा है। वैसे डिस्प्ले का जो बेजल है या जो चिन है ना, बहुत ज्यादा छोटा है, 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। फोन काफी बड़ा सा है और ये फ्लैट डिस्प्ले जिसके ऊपर गेमिंग काफी अच्छी हो पाती है। इवन सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले डार्क मोड अच्छा मिल जाता है यहाँ पे आपको, उसके बाद रिफ्रेश रेट आप देख सकते हो 144Hz रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे मिलेगा। ज्यादा गेम खेलते हो तो आपको यहाँ पे आई केयर वाला फंक्शनलिटी है, हाई ब्राइटनेस मोड भी है जो मस्ट ब्राइट करेगा डिस्प्ले को। और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी बहुत कूल से है। देखो ये वाला GT इंस्पायर्ड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, अगेन कूलर वाला डिजाइन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, जिसको लगा लेते हैं अभी के लिए। तो फोन का डिस्प्ले तो आपको एक नंबर मिल रहा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले लगी मुझे। प्लस इन्फिनिक्स ने क्लेम किया 1500Hz का टच सैंपलिंग है। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आप जब टच करते हो फोन को तो ये आपके टच को जल्दी से एक्सेप्ट करता है। ये गेम खेलते वक्त रिस्पॉन्सिव होता है और कुछ नहीं। हमने BGMI डाल रखा है, इसको ऑन कर लेते हैं। और जब तक BGMI ऑन हो रहा है, इसके अंदर MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट चिपसेट मिल रहा है और ये चिपसेट MediaTek का बेस्ट चिपसेट है, सबसे बेस्ट भी नहीं है लेकिन 20 से 25 हजार के अराउंड ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च होगा और उस प्राइस रेंज में इसका गेमिंग एंड परफॉर्मेंस क्लियर होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी BGMI खेलते हैं और गेमिंग करेंगे हम थोड़े वाइब के साथ। BGMI ओपन हो चुका है दोस्तों और ग्राफिक सेटिंग्स आप देख सकते हो, स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस आ रहा है और मैक्सिमम अल्ट्रा HDR का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे डुअल स्पीकर तो मिल रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला स्पीकर है वो थोड़ा लो है, अभी देखेंगे क्वालिटी। अभी गेम स्टार्ट कर लेते हैं और टेम्परेचर पे देख लेते हैं एक बार। डिस्प्ले 34.1 और बैक हो रहा है 32.5 डिग्री सेल्सियस। अभी कवर लगाए खेलते हैं, जैसे मैं टच करता हूँ रिस्पॉन्स काफी क्विक है। मैं सक्सेसफुली हरा दिया मैंने टीम को अपने, मैं बेसिकली एजेंट हूँ। और तो 5 मिनट मैंने गेम खेला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, मतलब बहुत ही स्मूथ है भाई, कहीं भी लैग वैग फील नहीं हो रहा उतना। हीटिंग देखा जाए, वैसे तो मैं एसी बैठे हैं भाई, लेकिन ज्यादा हीट भी नहीं हुआ है, एक बार एसी ऑफ करना पड़ेगा। चलो आरंभ करते हैं। प्रो प्लेयर इन द हाउस। मार दूंगा बता रहा हूँ। अरे मार दिया, बैठ जाता हूँ यहाँ पे भाई शांति से। क्या बोलते हैं,
भाई टेम्परेचर अभी 3 डिग्री बढ़ा है, अभी एसी ऑफ भी है, फ्रंट से भी टेम्परेचर बहुत नहीं बढ़ रहा है, काफी अच्छा मैनेज हो रहा है अभी तो। सो बीजीएमआई खेलते खेलते मैं कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलने लग गया भाई यहाँ पे, और इसकी परफॉर्मेंस कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ भी काफी मस्त आती है, और इतना ज्यादा गेम खेला है मैंने इसके ऊपर कि अब फोन हीट हो रहा है, 41 फ्रंट से तो 43 तक जा रहा है, तो अच्छा खासा हीट हो गया है फोन अभी। सो अब बारी है इसका कूलर कैसे काम करता है वो देख लिया जाए। ये टाइप सी वायर यहाँ लगा दिया और दूसरा टाइप सी फोन के अंदर, 1 2 3 स्टार्ट हो चुका है भाई कूलर, इसमें मस्त मस्त कलर्स जल रहे हैं बार बार अपने आप, कोई बटन नहीं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, और इसको लगा के गेम खेलते हैं एक बार, चलो ब्राइटनेस भी फुल कर देते हैं कि भाई हीट करेगा फोन मस्त। चलो 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 काफी स्मूथ गेम प्ले है इसका यार। ओ शिट बगल में था ये, इतने देर से मैं गेमिंग से कूलर लगा के कर रहा हूँ, फोन कम हीट फील हो रहा है। स्मूथ है भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अराउंड 5 मिनट मैंने गेम खेला है कूलर को लगा के, एक बार देखते हैं क्या चेंज आया भाई इस पे, कूलर से तो थोड़ी ठंड लग रही है यहाँ पे। ओके टेम्परेचर से 6 डिग्री गिरा दिया भाई नीचे, बॉडी का टेम्परेचर भाई मेंटेन्ड है, फ्रंट से 43 और जो इसका सरफेस है 24। 5 मिनट में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है, एक बार इसको 1 मिनट और देता हूँ मैं, ठीक है गेम बंद करके, लेकिन इस बार बैकग्राउंड एक्टिविटी हटा देता हूँ। 749 हो रहा है, 750 में देखते हैं। हे सिरी सेट अ टाइमर फॉर 30 सेकंड्स। अब फोन देखते हैं, कवर के पास 37 और एक बार फोन की बॉडी देखते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, अराउंड 38, 36, 40 के अराउंड आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ फोन जहाँ पे आपको टेम्परेचर कम हो चुका है। और फोन के कैमरे के बारे में बात किया जाए, यहाँ पे आपको एक कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, बाकी दोनों कैमरा 2-2 मेगापिक्सल के हैं जो डिजाइन में काफी अच्छा ऐड कर रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलेगा, और अगर कैमरा की बात की जाए तो एक 3x का मोड है और पोर्ट्रेट के अंदर 2x का ही मोड है। ये दोनों इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पोर्ट्रेट फोटो लेते हो, ये 2x मोड जो है पोर्ट्रेट का, ये एक्चुअल में काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको अच्छी फोटोज लेने में। और जब हमने इसको टेस्ट किया तो भाई इसका कैमरा मुझे लगता है थोड़ा एवरेज टाइप का है, फोन का कैमरा डिटेल्स उतनी अच्छी निकाल नहीं पाता, देखो जूम कर रहा हूं मैं, फोटो सॉफ्ट सी हो जाएगी, या फिर ये वाली फोटो हो गई, ये सब 1x की फोटोज है और यहाँ पे डिटेल्स और बेटर हो सकती है। और अगर कलर्स के बारे में बात करें तो हल्का सा फेडेड कलर्स आता है, मतलब काफी ज्यादा क्लोज टू नेचुरल फोटोज आपको कैप्चर करता है यहाँ पे, और ये कुछ 1x की फोटो आप देख सकते हो, जूम करूंगा मैं, यहाँ पे उतना अच्छा डिटेल मेंटेन नहीं हो पाया है, और जो कलर्स हैं वो ठीक ठाक से हैं, लेकिन फोन का पोर्ट्रेट काफी अच्छा कैप्चर होता है, देखो जूम कर रहा हूं मैं, यहाँ पे पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है, और जो फोटो की फील वो बहुत अच्छी है, मतलब कि जो ब्लर मेंटेन हो रहा है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा है, देखो पोर्ट्रेट काफी सही कैप्चर कर लेता है, लेकिन जहां बात आती है लाइट बैलेंस करने की वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है यहाँ पे। फोन के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है जो कुछ ऐसी फोटोज कैप्चर कर लेता है, फोटो में अगर जूम करते हैं यहाँ पे डिटेल सही निकाल देता है, और स्किन टोन भी सही मैनेज हो जाता है, तो ओवरऑल 32 मेगापिक्सल के हिसाब से अच्छी सेल्फीज ले लेता है। अब है कंप्लीट गेमिंग फोन, तो इसका जो कैमरा है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है, एक एवरेज 20,000 का जो कैमरा होता है वही वाला आपको कैमरा मिला है जो आपका काम कर देगा। और अगर वीडियोस के बारे में बात किया जाए तो इसका रियर कैमरा 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और ये कुछ वीडियो सैंपल्स हैं। अब देखो यहाँ पे वीडियो के अंदर फोकस काफी अच्छा मेंटेन कर लेता है, और जो कलर्स हैं वो अगेन थोड़े से फेडेड रहते हैं, और वीडियो में हमने OIS भी ट्राई करके देखा, देखो भाई वीडियो सही ये निकाल देता है, इतनी अच्छी वीडियो होती है कि कोई भी अगर कलेश चल रहा है रोड पे तो रिकॉर्ड करोगे तो अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बाकी अगर बैटरी के बारे में बात की जाए, 5000mAh की बैटरी मिल रही है आपको यहाँ पे, और 45W का फास्ट चार्जर है, फोन के अंदर बाईपास चार्जिंग भी है, मतलब कि अगर आप चार्ज में लगा के गेम खेल रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो चार्जर डायरेक्टली फोन को पावर करता है, बैटरी को नहीं, जिससे फोन कम हीट होता है और बैटरी की लाइफ बढ़ती है। तो अगर कंक्लूड करते हैं इन्फिनिक्स GT20 को, उससे पहले इसका टेम्परेचर देख लेते हैं भाई, अराउंड 20 मिनट से चल रहा है ये, 3.9, 4.5, 5.4, अराउंड 5 डिग्री तक ठंडा हो गया था ये। वैसे हमारी टेस्टिंग में एक बार ये माइनस में भी गया था, माइनस में लेके जाना है इसको थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जो कूलर का काम होता है वो फोन का टेम्परेचर ना बढ़े ना घटे स्टेबल रहे उसके लिए होता है, और ये आराम से वो चीज कर सकता है। तो और कंक्लूड करते हैं इन्फिनिक्स GT20 को, फोन काफी अच्छा, गेमर जितने भी है उनको बहुत मजा आया गेम खेलने में इसके साथ, इसको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, एज ए नॉर्मल फोन डेली लाइफ में यूज करना है उसके लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, अगर परफॉर्मेंस सेंट्रिक तगड़ा फोन चाहिए और ऐसा आपको थोड़ा यूनिक लुकिंग फोन चाहिए तो भी आप ले सकते हो। आज नोट के साथ इस वाले वीडियो को लेते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। और भाई वोटिंग चल रही है तो वोट कर देना, ठीक है।